पहली बार यूक्रेन का नैसाम्स पर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा। ब्रेक करें सिर्फ ब्रेकिंग विद सारन। युद्ध में रूसी आर्मी ने पहली बार नैसाम्स को टारगेट किया। नैसाम्स पर अटैक को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। यूएस से यूक्रेन को मिले हैं नैसाम्स एयर डिफेंस सिस्टम। द यूरेशियन टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर। पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। अब आप पहली बार यूक्रेन का नैसाम्स एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करना, बड़ी खबर है ये। 50-50 में रखिए इसको। युद्ध में रूसी आर्मी ने पहली बार नैसाम्स को टारगेट किया। नैसाम्स पर अटैक को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। मैं इस खबर पर वापस लौट रहा हूं विजय, अगली खबर भी दिखाइए जरा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ज़ापोरिज्या पर बड़े हमले की तैयारी में रूस, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। युद्ध के 1 साल पूरा होने पर कर सकता है बड़ा हमला। 24 फरवरी से पहले ज़ापोरिज्या पर अटैक की आशंका। रूस के हमले को लेकर यूक्रेनी आर्मी का बड़ा दावा। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। दत्ता सर, यहां पर जो मेरे सामने सवाल है वो सवाल ये है कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस युद्ध में अब जैसे जैसे हथियार आ रहे हैं इवेंचुअली रशियन फोर्सेस इंप्रोवाइज कर रही हैं अपनी टेक्निक्स पर, और ये उनके लिए एक बहुत बढ़िया सबक है कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज के वेपन सिस्टम को खत्म करना है। इट्स अ रियल वॉर ट्रेनिंग। या निशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से देखिए अब तक यूक्रेन एक डिफेंसिव ऑपरेशन करता रहा है या लड़ाई लड़ता रहा है, और अब जिस तरह का, क्योंकि उसकी आर्मी के अंदर कोई ऑफेंसिव कंटेंट नहीं था, क्योंकि और ये ज़रूरत भी पड़ी थी और ज़ेलेंस्की ने भी इसकी कई बार गुहार लगाई थी कि भाई हमें ऑफेंसिव कंटेंट होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से जो वॉरफेयर, जो वॉर है या जो बैटल है वो ईस्टवर्ड्स मूव हो रही थी, तो उसमें जो ऑफेंसिव कंटेंट अब दिया गया है तो वो रशियन आर्मी के लिए एक चिंता का सबब बन गया है। और इसीलिए आप देखिए अभी जो आपने बताया है कि रशियन आर्मी ने उनके जो डिफेंस सिस्टम है उनको तोड़ा गया है, ये टैंक्स का आना ये भी एक ऑफेंसिव जो स्ट्रेटजी है यूक्रेन की उसको स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि आपने जैसा खुद कहा कि अब गर्मी आने वाली है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ की टेरेन रहेगी, क्योंकि वहाँ जैसे ही थॉइंग शुरू होती है, बर्फ़ पिघलनी शुरू होगी तो वहाँ बड़ा स्लश हो जाता है, तो जो मैकेनाइज जो ऑपरेशंस हैं या जो वॉरफेयर है वो बड़ा लिमिटेड रह जाएगा। तो लेकिन वो जो पीरियड है उसमें यूक्रेन अपनी जो आर्मी है उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे सहयोगी कुलदीप जो हैं, जो इस शो के प्रोड्यूसर भी हैं, वो और अमित जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है। आप इन्होंने कहा था कि हम नैसाम्स तबाह कर देंगे, कर दिया। हाईमार्स की बैटरीज, हाईमार का रेडार सिस्टम तबाह कर दिया, स्टारलिंक का जो यूनिट्स थे उनको उड़ा दिया, अब बारी है टैंक की। आई थिंक दे आर एट इट। हाँ बिल्कुल, बिकॉज देखिए जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो अब जो रशियन आर्मी को है वो इन टैंक्स के द्वारा है, और ये जो मूविंग आर्मर प्लेटफॉर्म्स हैं ये जो रशियन आर्मी को काफ़ी बड़ी चैलेंज पोज करेंगे, और अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहते हैं या जो रशियन आर्मी है उसको चैलेंज करते हैं तो यूक्रेन का भी हौसला अफजाई होगी और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने भी प्लेज किया है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।